हे व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। आज हम आपके लिए जिस सॉन्ग के रिएक्शन की वीडियो लेके आए हैं, उस सॉन्ग का नाम है जट ते जवानी। नया गाना आया जी 23 फरवरी को, और दिलप्रीत ढिल्लों और करण ओजला फाइनली मद्दाहों की आवाज़ और अपने जो चाहने वाले हैं उनकी पुरजोर फरमाइशों पे इसका पोस्टर आ गया था गाने का पहले ही। तो इनके जो मद्दाह हैं वो काफ़ी बेताब थे कि कब ये गाना आए और कब इसको देखें। तो लेकिन उसके बाद टीज़र आउट होने नहीं हुआ और सॉन्ग आउट हो गया, सॉन्ग लीक हो गया बेसिकली, ये कहा जा सकता है आप। तो करण ओजला का जितने भी उसके लाइंस थी, उसका तकरीबन पैराग्राफ जितना था उसकी जो उसके बोल थे, वो आउट हो गए और अजीब सी कंट्रोवर्सी चल पड़ी। और अमृत मान के कुछ जो फैंस हैं, क्योंकि अमृत मान और करण ओजला की लास्ट टाइम जो वो थोड़ी सी वो अलैक्स लैक चल रही थी, कंट्रोवर्सी एक चल रही थी उसको लेके, तो जो अमृत मान के कुछ फैंस थे और जो करण ओजला के और दिलप्रीत के जो हेटर्स थे, उन्होंने मिल के लॉबी की और खूब कोशिश की इस गाने को डुबोने की और इस गाने के व्यूज़ कम करने की। लेकिन ये है कि जो चीज़ कंट्रोवर्सी में आती है वो कंट्रोवर्सी में ही आपको फ़ायदा भी दे जाती है। गाना मैंने सुना है जी, और बहुत कमाल के लिरिक्स हैं नरेंद्र भाट के। तो इसके दिलप्रीत के मोस्टली गानों में नरेंद्र भाट के लिरिक्स होते हैं और बहुत ही कमाल के और दिल को छू जाने वाले। और आजकल की हमारी यंग जनरेशन, ख़ास तौर पे जो नौजवान खून है, वो जो इनके मद्दाह हैं, वो बड़ा इंजॉय करते हैं इन लिरिक्स को। और बड़े अच्छे लिरिक्स हैं जी, जट ते जवानी। वो कहता जी क्या फ़ायदा जट पे जवानी आएगा, जो हमने कुछ थोड़े बहुत गलत काम नहीं किए थे। कहीं ना कहीं ये जो है नौजवान नस्ल के लिए एक नेगेटिव साइन भी है, लेकिन ये है कि उनके जो मद्दाह हैं, उनके जो फैंस हैं, वो दिलप्रीत को और करण ओजला को इसी शक्ल में, इसी इन्हीं लिरिक्स में सुनना चाहते हैं और इसी शक्ल में, इसी करेक्टर में देखना चाहते हैं। आर्टिस्ट हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने फॉलोअर्स की उम्मीदों को पूरा करे। तो इस गाने में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। दिलप्रीत गाने के शुरू में जैसे ही उतरता है जीप से और चादरे में और खुसा पहन के, और जो उसकी लुक्स आई हैं वो बहुत कमाल की है और दिल को छू जाने वाली, और बहुत मज़ा आया। गाने की शुरुआत ही जो थी, उसकी जो स्टार्टिंग ही थी, वो टचिंग स्टार्टिंग थी। गाने में सारा गुरपाल भी हैं जी, और बहुत कमाल की आर्टिस्ट हैं और बहुत ही खूबसूरत लेडी हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इस गाने में और बड़ा अच्छा साथ निभाया दिलप्रीत का। और उसके बाद करण ओजला की लाइंस आई, और करण ओजला ने वेस्टकोट के साथ कुर्ता पहन के आके जो धूम किया और जो बूम बूम किया, कमाल कर दिया। और उसकी लाइंस आउट होने के बावजूद जो उसने अट्रैक्ट किया फैन फॉलोइंग को और ऑडियंस को, जिस तरह उसने अपनी तरफ खींचा है, वाकई में कमाल करती है। और मुझे पर्सनली जो लाइन पसंद आई, वो कहता जी अगर वैली को, मतलब अपने दुश्मन को मार के उसकी वीडियो ना बनाई तो क्या फ़ायदा फिर उसका, उसके बगैर कोई मज़ा नहीं है। तो बहुत कमाल की और बहुत आला लाइंस थी, बहुत कमाल के लिरिक्स थे। करण ओजला ने आके जो मजीद गाने को उठाया, गाना दिलप्रीत ने भी बहुत अच्छा निभाया और बहुत मज़ा आया सुन के। और मैं तो अभी इसको सुन रहा हूँ मजीद कंटिन्यूसली, अपनी प्लेलिस्ट में लूप पे लगा के मैं सुन रहा हूँ इस गाने को। और करण ओजला ने आके 4 चांद लगा दिए जी गाने को, कमाल कर दिया। वाकई में गाना उम्मीदों से बढ़ के आया, जो इनके मद्दाह इनसे चाह रहे थे, करण ओजला से और दिलप्रीत से, उससे बढ़ के था गाना। और बहुत ही कमाल की लिरिक्स, कमाल की लोकेशन, कमाल की वीडियोग्राफी और कमाल की वीडियो, बहुत ज़बरदस्त। और वाकई कमाल हो क्यों ना, देसी क्रू का म्यूज़िक था और उसने बताया कि कुछ है, कोई चीज़ है, कोई म्यूज़िक बना है। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत मज़े का लगा और बहुत पसंद आया। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको गाना कैसा लगा। मज़ीद अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।